सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कन्हैया बरे और आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है मेरे व्लॉग में यानी कन्हैया बरे व्लॉग्स में। जैसा कि आपको मैंने पिछले दो व्लॉग में बता दिया, पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया मुंबई से शिरडी कैसे ट्रैवल करना है बाय ट्रेन, वो भी बहुत सस्ते रेट में। फिर सेकेंड व्लॉग में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दर्शन पास ले रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं साईं प्रसादालय में, यानी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह साईं प्रसादालय। ऑटो वाले 10 रुपये लेते हैं वहाँ तक आपको छोड़ने के लिए, आप चाहिए तो वॉक इन डिस्टेंस से भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस वक्त मैं जो हूँ पहुँच चुका हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है ये 4 सोलर पैनल, जिसके वजह से ये किचन जो है इतना बड़ा मेगा किचन जो है वो चलता है कहीं ना कहीं। और ये जो मूर्ति आप इस वक्त देख रहे हो आपके स्क्रीन के सामने है, ये जो मूर्ति बहुत ही लोगों को प्रिय लगती है, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो चलिए फिर मैं चल रहा हूँ अंदर, और ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ से एंट्री लेते हैं। इतना प्यारा गार्डन बनाया हुआ है, फिलहाल अभी झरने चालू नहीं है, उसके ऊपर फुहारे जो है वो चालू नहीं है, वो जब चालू होते हैं और भी सुंदर लगता है देखने पे। और ऊपर भी देखिए और 2 सोनार पैनल हैं, और ये जो नाम आप अभी पढ़ सकते हो श्री साईं प्रसादालय, तो ये जो है वो टिकट है। आपको एक बार यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, और टिकट जो है वो बिल्कुल भी फ्री है, लेकिन आपको फिर भी वो लेना पड़ेगा, वो आपको फ्री में ही देंगे। इसी जगह से आप ले सकते हो ये टिकट, आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। फिलहाल अभी उतनी गर्दी नहीं है जितनी मुझे से लग रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्दी हुई, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग सुबह में ही पहुँच गया था। ये जो प्रसादालय है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है जहाँ तक मुझे बताया गया है। और ये आप जगह देख रहे हो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, आप बहुत स्वच्छ पानी आता है यहाँ से, आप पी सकते हो, या फिर वॉश बेसिन भी है, अगर आप हाथ धोना चाहते हो तो आप हाथ धो सकते हो। फिर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना होता है। पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे भक्त श्रद्धालु आते थे, अभी फ़िलहाल कोविड के वजह से बहुत गर्दी इतनी नहीं है। और ये प्रसाद देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देख के, मैं तो बस इंतज़ार कर रहा था। तो ये तस्वीर जो है ये बयां करती है इस बात को कि ये जो शुरुआत हुई थी मेगा किचन की यहीं से हुई थी, पहले 7-8 हुआ करते थे, और अब जाके कहीं ना कहीं ये जो रूप ले लिया है, ये देखिए ये इतना बड़ा रूप हो चुका है। अब एक साथ यहाँ पर 3,500 से ज़्यादा लोग बैठते हैं और भोजन करते हैं, लेकिन अभी कोविड के वजह से जैसे कि हर जगह सीट पे जो है मार्क कर दिया गया है कि 2 सीट छोड़कर बैठें, तो अब यहाँ पर भी वही सिस्टम है, आपको 2 सीट छोड़कर 1 सीट पर बैठनी होगी बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस तरह से अभी देखिए जो प्लेट है हमारी है यहाँ पे सर्व कर दी गई है, ऑलरेडी सॉल्ट उसके अंदर है, नमक डाल के वो प्लेट्स जो है रख देते हैं। ये आ गया शीरा, और सारी प्लेट्स पहले से ही तैयार होती हैं, प्लेट और ग्लासेस। और इस तरह से देखिए मैं जो हूँ यहाँ पर आराम से इंतज़ार कर रहा हूँ कि और ढेर सारी फूड्स आए और मैं रेडी हूँ खाने के लिए। बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत खुशियों भरा माहौल था वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं कहीं अनजान जगह पे आया हूँ, ऐसा लग रहा था सब कुछ अपना ही है, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, और बहुत सुकून मिल रहा था दिल से बताऊँ तो। ये देखिए किस तरह से पानी जो है वो सर्व कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको पानी वहाँ पर सर्व किया जाता है। खाने में बिल्कुल भी आप कमी मत कीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और खाना चाहिए तो आप और भी खा सकते हैं, आप और मांग कर खा सकते हैं, आपको वहाँ पर कोई नहीं कहेगा कि आप क्यों मांग रहे हो, क्योंकि ये साईं भंडारा है और साईं भंडारा कभी खाली नहीं रहता। तो ये देखिए किस तरह से सर्व कर रहे हैं पानी, तो ये ले लिया हमने पानी, बहुत ही शुद्ध पानी, बहुत ही। तो ये अभी प्लेट में देखिए ला कर रख रहे हैं चावल, और चावल के बाद हम देखते हैं। तो ये देखिए अब आ रहा है दाल, और 2 टाइप की सब्जियां होती हैं वो आपके प्लेट में परोसी जाती हैं। और आप देख सकते हो इस तरह से बहुत ही प्यारी गर्मा गर्म रोटियां भी हैं जो आंटी जी हमें दे रही हैं अभी फ़िलहाल। ये देखिए ये जो रोटी है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, ऐसी रोटी अभी तक मैंने कभी नहीं खाई है। और उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दान पुण्य से लोगों के तब जाके कहीं ना कहीं ये भोजन जो है हमारे तक पहुँचता है। और देखिए मैंने जो अपनी प्लेटें खाली कर दी है, तो चलिए अब मैं चल रहा हूँ, आपको व्यू एक बार दिखा दूँ किस तरह का यहाँ का व्यू है। आप देखिए, एंजॉय कीजिए, आशीर्वाद लीजिए साईं बाबा का, और आप भी जाने का प्लान कीजिए। तो चलिए फिर मैं अब कुछ ना बोलते हुए बस आप दर्शन कीजिए।
सो थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग पूरा देखने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैंने दो ब्लॉग जो बनाए हैं, पहले वाले उसमें मैंने आपको बताया ट्रेन जर्नी कैसे करनी मुंबई टू शिरडी, सेकंड ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन ऑफलाइन पास कैसे लेना है, कैसे आप दर्शन कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में कि आपको रुकना कहां पर है। अगर आप शिरडी आ रहे हो तो बहुत सस्ते तरीके से आप रुक सकते हो। चलिए अब वहां चलते हैं और वहां देखते हैं कि क्या प्राइस है, क्या रेंज है और कितने दिन के लिए हम रुक सकते हैं, होटल जो है वहां का कैसे बुकिंग करें। संस्था की तरफ से ही वो होटल है, बहुत ही मज़ेदार वो भी ब्लॉग होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं।